दोस्तों भारत लगातार अपनी टेक्नोलॉजी और अपने ही देश में किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा विकसित कैसे किया जाए इस पर ज्यादा बल दे रहा है। कुछ दशक पहले यानी लगभग 10 से 15 साल पहले भारत अपने रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किसी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे अब समय बदल रहा है। भारत भी अब अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हालांकि यह 100% तो नहीं है, फिर भी हम आगे तो बढ़ रहे हैं। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों पिछले साल 2018 में अस्त्र MK-1 मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इस मिसाइल के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया गया है और अगले साल 2020 तक इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Sukhoi-30 MKI में इंटीग्रेट करने के लिए डिलीवर भी कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमान जैसे Mirage 2000, LCA Tejas और MiG-29 पर भी लगा दिया जाएगा। अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल की रेंज 70 से 90 किलोमीटर तक है, लेकिन कुछ अन्य रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि असल में इस मिसाइल की रेंज 90 से 120 किलोमीटर तक है। दोस्तों इस मिसाइल की रेंज चाहे 70 से 90 किलोमीटर हो या फिर 90 से 120 किलोमीटर तक की हो, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि अस्त्र MK-1 काफी इंतजार के बाद अब भारतीय सेना को मिलने वाली है, जो हम सब भारतीयों के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा अब DRDO अस्त्र मिसाइल के नेक्स्ट वर्जन यानी अस्त्र MK-2 को भी विकसित करने में जुट गई है। DRDO के एक ऑफिसर के अनुसार अस्त्र MK-2 की मारक क्षमता अस्त्र MK-1 से ज्यादा होगी और यह पहले वर्जन से ज्यादा खतरनाक भी होगी, क्योंकि अस्त्र MK-2 में क्लिप विंग्स और फिंग्स जैसे फीचर भी शामिल होंगे ताकि भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारत के एडवांस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी AMCA और स्टेल्थ UCAV प्रोग्राम के अंदर भी अस्त्र MK-2 का इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट पर आधारित मिसाइल सिस्टम यानी SFDR मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट को भी शुरू कर दिया है और अब जल्द ही यानी साल 2022 से साल 2024 तक अस्त्र MK-2 और SFDR मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना की शान बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों DRDO के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है अस्त्र MK-2 और SFDR कब तक बनकर तैयार हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? क्या आप एक स्टूडेंट हैं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट technopheria.com पर जरूर आए, जहां मैं आपको ढेर सारी आइडिया देता हूं कि आप ऑनलाइन इनकम कैसे कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।